स्पॉन्सरशिप जो है आईपीएल की और पीएसएल की, आप क्या समझे कितनी है पीएसएल की, पीएसएल और आईपीएल की? आपको पता है कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप का है? मेरे हिसाब से तो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप पीएसएल की नस्बत बहुत ज़्यादा है। वैसे आप उसको पॉइंट क्या दें? मैं आईपीएल को तो 9 दूंगा, अभी पीएसएल अभी 6 या 7 है रेट करूंगा, आउट ऑफ 10। मतलब आप किसको सपोर्ट करेंगे अगर कराची किंग और मुल्तान और लाहौर कलंदर? मैं फर्स्ट सीजन से कलंदर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। आदाब खुश हमदे, मैं हूँ साहब देखिए लताफे मिस्टर जुड़चैन। आज मैं हूँ अयूब पार्क में और आज मैं लोगों से पूछूंगा सिर्फ तीन सवाल ये पूछूंगा कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप या फिर पीएसएल की स्पॉन्सरशिप है कौन आगे है, और उसके बाद मैं पब्लिक से पूछूंगा कि आया पब्लिक पीएसएल बेस्ट है या फिर आईपीएल बेस्ट है। और हमारा जो पीएसएल चल रहा है धूम धड़के के साथ चल रहा है, उसमें जो दो टीमें आपस में बहुत टकराव करती हैं वो टीमें हैं कराची किंग और वर्सेज लाहौर कलंदर, क्योंकि दोनों को आपस में बड़ा इससे टसल के मैच होते हैं जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हैं। जाते हैं पब्लिक में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? अब्दुल रहमान साद। अब्दुल रहमान भाई, आप क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल देखते भी होंगे? जी जी जरूर। ठीक है ना, तो क्या समझते हैं कि जो स्पॉन्सरशिप है पीएसएल और आईपीएल की, आपको पता है कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप का? मेरे हिसाब से तो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप पीएसएल की नस्बत बहुत ज़्यादा है, और पीएसएल अभी दूसरा बड़ा ब्रांड है, उसको ट्राई कर रहे हैं उसको आईपीएल को बीट करने में, लेकिन अभी बड़ा वक्त लगेगा, हमें बड़ा टाइम चाहिए इस तक पहुँचने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो हमारी स्पॉन्सरशिप काफ़ी बेहतर है। जी जी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन देखें जितने भी बड़े स्टार प्लेयर्स हैं वो पैसा उनका पहली डिमांड होती है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं आईपीएल को वो पहली प्रायोरिटी देते हैं पीएसएल की नस्बत, इसलिए हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्पॉन्सरशिप बढ़ानी पड़ेगी। आईपीएल और पीएसएल में आप क्या कहते हैं कि हमारा मियार? या देखें एज ए पाकिस्तानी तो हम ये कहेंगे कि पीएसएल पहला ब्रांड है, लेकिन अगर हम रियलिटी को देखेंगे तो आईपीएल को हम अभी नहीं पहुँच सकते, अभी बड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप उसको पॉइंट क्या देंगे? मैं आईपीएल को तो 9 दूंगा, अभी पीएसएल अभी 6 या 7 है रेट करूंगा, आउट ऑफ 10। पीएसएल का मुकाबला जो होता है कराची किंग का और लाहौर कलंदर का। जी जी, आपस में बड़ा इनका जी, ये तो पहले सीज़न से तो एक अच्छा मुकाबला हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कराची में जो कि बाबर आजम खेल रहा है बेसिकली वो लाहौर का, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुकाबला जो है वो बहुत अच्छी, दोनों अच्छी टीमें होती हैं, दोनों का कम्बिनेशन अच्छा है। इस दफ़ा तो कराची खैर उस तरह का कम्बिनेशन नहीं है, इसलिए पहले पाँच मैच हार भी गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच वो जीतेगी और एंड तक वो फाइट करेगी आखिरी टूर्नामेंट। जीत के राउंड में जा सकती है? इस दफ़ा असल में उसके मेन प्लेयर मोहम्मद आमिर भी इंजर्ड हो गए और इस दफ़ा कैप्टनसी भी चेंज हुई है, तो टीम में थोड़ा टाइम लगेगा उसको दोबारा बैलेंस होने में। अगर आप आईपीएल और पीएसएल को आपको देखें तो आप क्या कहेंगे कि यार कौन सी बेहतर है? देखें आईपीएल जो है बेहतर है, लेकिन पीएसएल भी माशाल्लाह से मतलब स्टार्टिंग में अभी बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है, इंशाल्लाह 7वां सीज़न है तो इंशाल्लाह मतलब आगे तक जाएगी, जब जाती रहेगी तो प्लेयर मजीद स्टार आएंगे तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, बेहतर पाकिस्तान पे ओके मैच हुई है या फिर ये दुबई में मैच, वहाँ से बेहतर हुई? पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान में खेल के बेहतर हुई है। बेहतर पाकिस्तान हो गया। कराची किंग और लाहौर कलंदर का जो आप मैच होता है आपस में कांटेदार मुकाबला जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है, तो क्या समझते हैं क्रिकेट के लिए? क्रिकेट के लिए बेहतर है, बेहतर है। मतलब आप किसको सपोर्ट करेंगे अगर कराची किंग और मुल्तान और लाहौर कलंदर? मैं फर्स्ट सीजन से कलंदर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार लाहौर कलंदर बहुत बेहतर है, बेहतर जा रही है, बेहतर जा रही है। लाहौर कलंदर का कोई फेवरेट जो आपको बहुत अच्छा लगता है यार, उससे मैं मिलना चाहता हूँ? मैं फखर उज़मान से मिलना चाहते हैं। जी जी, आपकी मुलाकात इंशाल्लाह करवा दूँ। आईपीएल और पीएसएल में कितने नंबर देंगे आप, पीएसएल को और आईपीएल? पीएसएल को देखें मेरे 60% में देता हूँ, 100 से 40% हाँ, तो आईपीएल को मैं 40 देता हूँ, आईपीएल को हाँ 40 देता हूँ। जी आप बताइएगा कि स्पॉन्सरशिप जो है आईपीएल की और पीएसएल की, आप क्या समझते कितनी है पीएसएल की? आईपीएल की जो है मैक्सिमम 8 की, और जैसे 800 करोड़। जी जी जी, और जैसे कि अभी पीएसएल जा रही हो मैक्सिमम 4-1 होगी। जी जी, 4 करोड़। वैसे तो आपको बताऊं कि जो पीएसएल की जो है ना जी जी, वो है तकरीबन 300 करोड़। ठीक है जी, उससे बहुत ज़्यादा है, और जो आईपीएल की है वो तकरीबन 700 करोड़, यानी कि उनकी इतनी स्पॉन्सरशिप है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको बीट करेंगे। अच्छा, मुझे देखिए लाहौर कलंदर और कराची किंग का आपस में बड़ा टसल मुकाबला होता है, जैसा पाकर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है, तो ये क्रिकेट के लिए क्या हुसन रखता है क्या?
काफ़ी मज़ा आता है लाहौर कलंदर और जैसे कि कराची किंग का मैच होता है क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है जैसे कि शाहीन शाफरीदी है, आर एस रऊफ है, पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग है उसमें लाहौर कलंदर, और जैसे कि कराची किंग है वहाँ पर भी काफ़ी जैसे हमारे बैट्समैन है नंबर वन बैट्समैन है बाबर आजम, तो बड़ा शौक से हम वो मैच देखते हैं और काफ़ी मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं उस मैच का। अच्छा मुझे बताइएगा किस्मत का कितना दखल होता है, लाहौर के अंदर कोई टाइम था कि बिल्कुल नीचे था जी, आप कराची के साथ ये साफ हो रहा है क्या ये किस्मत को भी मज़ा, हालांकि बाबर आजम जो बेहतरीन बैट्समैन है T20 के वो उनके साथ हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। बस ये क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है, ये कभी बंदा ये मतलब नीचे रहता है कभी ऊपर ले ये होता रहता है, और जैसे कि अभी कराची की टीम है उस तरह वो बैलेंस साइड नहीं है जैसे कि पहले था, और इस वजह से थोड़ा सा वो जा रहे हैं। बाबर आजम तो स्कोर कर रहे हैं लेकिन बाकी साथ नहीं दे रहे हैं। जी वीएस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको बहुत नोटिस किया जा रहा है, बार बार कैमरे दिखाए जा रहे हैं कि गुस्से में कितना गुस्सा करते हैं, किस तरह बोलते हैं वो, लेकिन ज़ाहिर गुस्सा तो करेगा कैप्टन कराची किंग जो बिल्कुल नीचे जा रही है। PSL का काफ़ी मज़ा आता है जैसे कि IPL और PSL में, इसमें काफ़ी फ़र्क है। जो IPL है उसमें मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि या पैसे का ये वो ना, जैसे कि अब PSL हो रही है वो एक मुझे मज़ा आता है, एक ओरिजिनल क्रिकेट है ठीक है, जिसमें बॉलर है अच्छे, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छी है, उसके बाद जो बैट्समैन है, और बड़ा मज़ा आता है PSL का। तो PSL को IPL से मैं ज़्यादा अच्छा समझो क्योंकि PSL का काफ़ी मज़ा आता है। कितने पॉइंट दोगे PSL को और IPL? IPL को मैं पॉइंट दूंगा 50, और जैसे कि PSL है 50, PSL को मैं दूंगा 100 नंबर। ठीक है, जितना आपकी मर्ज़ी, क्योंकि